afternoon, good evening to ILC Music Club. It's a delight to welcome you all to this wonderful evening. If you have come for previous Music Club editions, this is a forum where we invite an artist to discuss his journey in pursuing a certain kind of music. We tend to focus more on the classical traditions, but we have also done sessions on folk music and other traditions in the spectrum that we have. And it's quite an interesting, fascinating club for those who are eager to engage more with music. Especially I would think that students would be benefiting much from attending this. We hope to increase footfall, obviously. But and tonight we have an interesting artist called Dr. Anil Chaudhary. He's a Pukhavaj musician, a very established artist, very widely respected in the field. And when we reached out to him, despite his other commitments and some really difficult personal circumstances, he agreed to make it, and we're very thankful to him. And he's an interesting artist, as you can see. His session will be very brief, probably the most shortest sessions in the music club editions, because he has a pressing commitment to meet. In any case, I'm sure you'll discover a very interesting artist today. And we also have Ghanashyam Sisodia on sarangi accompanying him. So welcome, a warm welcome, and I'll bring the artist. Namaskar. Jai Mahadev, Jai Mridan. मौका दिया गया है पखावज पर कुछ बोलने के लिए. थोड़ा बहुत जो ज्ञान गुरुओं से प्राप्त है वो बोलूंगा, कुछ त्रुटियां होंगी तो क्षमा करेंगे. सबसे पहले पखावज की उत्पत्ति के बारे में हम बात करेंगे कि पखावज की उत्पत्ति कैसे हुई. उसमें ये कहा गया है कि वैदिक कहानियां हैं और उसमें उदाहरण आता है कि पखावज की उत्पत्ति त्रिपुरासुर राक्षस का वध करके भगवान शंकर ने उसका वध किया, जो बहुत आतिताई था. और भगवान शंकर को भी, जो सदा शांत रहते हैं, उनको भी क्रोध आ गया और उन्होंने उसका वध किया. और उस वध के उपरांत वो अतिरेक में, उल्लास में, अपने क्रोध को शांत करने के लिए उन्होंने नृत्य करना आरंभ कर दिया. उनका नृत्य ताल में और लय में नहीं था, क्योंकि उस समय लय और ताल का की उत्पत्ति नहीं हुई थी, उसका आगमन नहीं हुआ था. अर्थात उनका नृत्य जो था वो एक प्रलयकारी नृत्य हो गया और लगा कि ब्रह्मांड में प्रलय आ जाएगा और ब्रह्मांड विनाश हो जाएगा. और वो लगातार नृत्य करते रहे. भगवान ब्रह्मा ने देखा कि प्रलय विनाश हो जाएगा, क्योंकि महादेव का नृत्य जो है तालबद्ध नहीं है, लयबद्ध नहीं है. तो उन्होंने तुरंत ही विश्वकर्मा को बुला करके और अपने सामने में एक साज का निर्माण किया, जिसका निर्माण त्रिपुरासुर के सोनित चमड़े, उसके हड्डियों से उसका निर्माण हुआ. और उसका भगवान ब्रह्मा ने मृदंग नाम रखा, मृदंग. और गणेश को आदेश दिया उन्होंने कि आप सरस्वती को साक्षी रख करके इसे बजाएं. और गणेश ने उसे बजाना प्रारंभ किया और वहीं से ताल और लय का की उत्पत्ति होती है. और फिर महादेव का नृत्य
जो कि तालबद्ध नहीं था, उनका नृत्य तालबद्ध और लयबद्ध हो गया, और जहाँ प्रलय की संभावना थी वहाँ आनंद का माहौल बन गया। और इस तरह पखावज की उत्पत्ति के बारे में वैदिक कहानियों में जो कही जाती है वो ये है।